हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के साथ। गाइस, आज फिर से हम लोग आ चुके हैं नाहरगढ़ के किले के अंदर और आज आपको किले को अंदर से दिखाएंगे कि अंदर से क्या कुछ खास है इस किले के। गाइस, टिकट ले लिया है हमने भी हमारा और टिकट लेने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं पैलेस के अंदर और पैलेस के अंदर से आपको दिखाएंगे जल्दी पैलेस का हाल। और ये है वैक्स म्यूजियम। गाइस, अभी आपने देखा जयपुर शहर और अभी हम लोग चल रहे हैं पैलेस के अंदर। तो गाइस, ये है आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए मैसेज कि विरासत को संभाल कर रखें। तो गाइस, आ चुके हैं पावड़ी के पास में और आपको दिखाने वाले हैं नाहरगढ़ की दूसरी बावड़ी। एक बावड़ी हमने पहले अपने वीडियो में कवर किया था और ये है दूसरी बावड़ी। तो गाइस, ये पीले कलर का जो पहल देख पा रहे होंगे यही है नाहरगढ़ का किला। तो गाइस, एक नाहरगढ़ की बावड़ी जो है हमने आपको दिखाई थी जहाँ रंदे बसंती की शूटिंग हुई थी और दूसरी जो है वो ये बावड़ी है। हालांकि पानी इसमें तो फाइनली हमारी आंखों के सामने है नाहरगढ़ का किला और जल्दी ही हम लोग नाहरगढ़ किले के अंदर पहुंच के आपको दिखाने वाले हैं नाहरगढ़ का व्यू कि ऊपर से जयपुर सिटी जो कि पिंक सिटी कहा जाता है वो पिंक सिटी किस तरह की लगती है। तो इस एरिया को कहा जाता है श्री माधवेंद्र भवन। गाइस देखिए, गाइस ये है पुरातत्व विभाग की कुछ तोपें जो कि चलती नहीं है लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है तोप पर बैठना मना है। तो जी हाँ गाइस, हम लोग तोप पे नहीं बैठेंगे। ये है श्री माधवेंद्र भवन जिसके अंदर हम अभी प्रवेश। तो गाइस फाइनली हम लोग प्रवेश कर गए हैं अंदर और ये सामने जो है वो गेट, इसी गेट के अंदर हम लोग अंदर जाएंगे। तो गाइस, अभी धूप बड़ी तेज है, इन सभी गेटों के अंदर एंट्री है। तो पहले हम कौन से में प्रवेश करें, हम लोग सूरज प्रकाश में प्रवेश करते हैं। तो ये है सूरज प्रकाश। तो गाइस, यहाँ छोटे छोटे कमरे जो है वो बने हुए हैं, आपको कमरा भी अंदर से दिखा देते हैं। कमरे जो है उसके अंदर चूने से बने हुए कमरे जो कि सर्दी में गर्म रहते हैं और गर्मी में रहते हैं ठंडे। तो गाइस दूसरे परिसर के अंदर जाएंगे।
गाइस दीवारों पे बनी हुई पेंटिंग आप देख पा रहे होंगे। पेंटिंग जो है वो काफ़ी सालों पुरानी पेंटिंग है, अंधेरा होने की वजह से आप फुल फ्लैश नहीं देख पा रहे होंगे, पर कोई गल नहीं, अभी हमारे पास में बहुत सारा स्कोप है। ये भी एक कमरा है जो अंधेरे के अंदर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। इस कमरे के अंदर एक और कमरा हमें मिला है गाइस, ये देखिए इसके अंदर भी कितनी अच्छी वाली पेंटिंग और नक्काशी जो है वो की गई। गाइस ये देखिए आप, हाथों से की गई पेंटिंग। तो गाइस ये है झरोखा, इसे चौक भी कहा जाता है, और यहाँ से अभी हम चलेंगे ऊपर की तरफ। जी हाँ गाइस, छत का रास्ता है ये, तो हम लोग छत पे चलेंगे सीढ़ियों से, और ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ जो है। तो गाइस ये देखिए फाइनली मंदिर के अंदर, महल के अंदर जो है हम आ चुके हैं, और आप हमें भी देख पा रहे होंगे। यहाँ से ऊपर एक और छत पर जाने का रास्ता है, तो अभी ऊपर की तरफ चलेंगे और छत के ऊपर, और आपको दिखाएंगे ऊपर का व्यू। जी गाइस फिर से सीढ़ियाँ हमें चढ़ के ऊपर जाना है। और गाइस ये दिख रही है छतरियाँ, जयपुर का भी, जयपुर जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। जूम करके दिखाते हैं आपको जयपुर के छोटे छोटे दिखने वाले मकान, और सामने जो आप देख पा रहे होंगे वो है ताल कटोरा, जो कि गोविंद देव जी के मंदिर में स्थित है बताएंगे। और उसके अलावा यहाँ से छुपे हुए काफ़ी सारे रहस्य जो है वो आपको बताएंगे, कि यहाँ के जो राजा मानसिंह हैं वो जब एक रूम के अंदर जाते थे तो शायद दूसरी रानी को जो है वो पता नहीं होता था कि वो कौन से रूम में हैं। तो इसी तरीके से जो है थोड़ा सा हिडन करके इसको बनाया गया है, और मानसिंह का जो महल है वो भी आपको दिखाएंगे कि राजा मानसिंह का महल कहाँ पे है। तो थोड़ा सा इंतज़ार और चलते हैं वापस नीचे, और छत का व्यू हम आपको एक बार दोबारा से दिखाते हैं, कि देख लीजिए कि ये छत का जो है वो छत का व्यू आपको कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई देगा। जहाँ से हमने इस महल के अंदर प्रवेश किया था, तो ऊंचाई से भी देखिए आप, ऊंचाई से जो है हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे जो तोप हमने आपको दिखाई थी, उस तोप के पुनः दर्शन आपको ऊपर से भी करवा रहे हैं, और चलते हैं नीचे। रास्ता बहुत ही सकड़ा है और सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी। गार्ड साहब उनको जो है वो रोक रहे, कह रहे हैं रास्ता ऊपर जाने का अलग है और नीचे आने का जो है वो अलग है। तो महल के अंदर हम जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे अलग अलग रानियों के अलग अलग महल है, तो उन्हीं में से एक रानी का महल जो है हम आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे मिरर भी लगे हुए हैं अंदर, और मिरर देखिए कितना क्लियर मिरर जो है वो सामने दिखाई दे रहे होंगे। भूपेंद्र ऊर्जा ब्लॉग सब में आपका फिर से स्वागत है, और ये देखिए यहाँ के झरोखे और पेंटिंग्स, यहाँ पर भी जो है वो कलर वाले गिलास का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो गाइज जैसा कि कहावत आपने सुना होगा कि दीवारों के भी होते हैं कान, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि पुरानी जो गऊ कला करती है उसके अंदर किस तरह से कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं दीवारों के कान। उससे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ का जो हॉल जहाँ से है वो भी इसके ऊपर जालियाँ लगा के जो है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि लोग बाग काफ़ी जो है वो शैतान किस्म के जो है वो लोग आते हैं, उनसे बचने के लिए जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया।
इसके ऊपर भी आप मूल लगाकर कुछ बोलोगे आपको उस छोर पे जो है वो आपको सुनाई देगा। तो इस तरह से जो ट्रांसमिशन और जो सिग्नल्स जो दिए जाते थे वो इस तरह से, यानी कि दीवार का मूलक जब बोला जाता है तो दीवार आपस में जो है वो कनेक्टेड है और दीवारों से जो है वो आपको दूसरी जगह पर खड़ा हुआ इंसान भी जो है उसको सुन सकता है। तो दीवारों के भी कान किसी ने कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे एक और चौक जो है वो आ चुका है और हम यहाँ से इस दूसरी तरफ जो है वो जाएंगे जहाँ पर दूसरी रानी का जो है वो महल है। तो आज भी इस धरोहर को देखकर लगता है कि जयपुर कितना आलीशान रहा होगा अपने टाइम के अंदर। तो गाइस अभी इन महलों को जो है वो बंद कर दिया गया है, कुछ ही महल जो है वो खुले हुए हैं और यहाँ से जो है वो आपको जो अपना नाहरगढ़ का किला का जो फ्रंट व्यू जो दिखता है वो इसी गेट से दिखता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको जो है वो बंद कर दिया गया है। तो गाइस ये वाला दरवाज़ा जो है हमें खुला मिला है और इसके अंदर हम लोग जाके आपको दिखाएंगे। ये भी एक रानी का जो है वो महल है और यहाँ भी आप पेंटिंग देख पा रहे होंगे। तो गाइस ये हुआ करता था ड्रेसिंग रूम और इसके अंदर में जो है वो आपको मिरर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये खिड़कियाँ जो है वो बंद कर दी गई है और यहाँ भी जो है आप देखिए। तो गाइस आइए आपको दिखाते हैं इस झरोके से, इस खिड़की से जो है वो जयपुर का व्यू, बहुत ही खूबसूरत है मेरा जयपुर शहर। तो गाइस जैसा कि हमने आपको महल दिखाया वैसे ही 9 महल जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं और एक है मानसिंह का महल। और अभी जो दरवाजे हैं उनकी आवाज़ें ऐसे लग रही है कि मानो भूतिया हो। ये देखिए दरवाज़ा जो है हवा से बंद हो रहा है और हवा जो है वो आज काफ़ी तेज़ चल रही है। तो गाइस ये वाला जो कमरा है वो बाकी कमरों से जो है वो कुछ बड़ा कमरा है। आई थिंक ये यहाँ की जो है वो मेन रानी का कमरा होगा और यहाँ से भी आप झरोके से जयपुर का जो है वो व्यू देख पा रहे होंगे। तो गाइस अभी जिस महल में हम लोग हैं ये है मानसिंह का महल और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से भी कनेक्टिविटी है और वहाँ से भी कनेक्टिविटी है, जो कि यहाँ के बने हुए 9 मंदिर जो महल है उनको आपस में इंटरकनेक्ट करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मानसिंह जब यहाँ से जाते हैं अभी तो पता लगा था और ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से हमें एंट्री भी यहाँ से मिली थी। आप देख पा रहे होंगे कि नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग से जो है पहला पैलेस जो है वो मानसिंह का ही पैलेस है और उसके बाद अंदर आने के बाद जो है वो राजा पैलेसेस जो है होते हैं। तो ये कहलाता है राजा मानसिंह का पैलेस और पेंटिंग्स देखिए अभी भी एज इट इज बरकरार है उस टाइम की। और आपको जहाँ से हमने एंटर किया था सूरज महल से और ये सामने चंद्र प्रकाश महल है और नीचे ये जो ग्राउंड है यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली मीटिंग हुआ करती थी जो राजा जो है उस टाइम अटेंड किया करता था। तो यहाँ से बैठ के जो है वो पूरा कंट्रोल टावर जिस तरह से कहा जाता है वो ये वाला महल है जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं। हम
हमने ऊपर का महल आपको दिखाया है, अब चलते हैं नीचे की तरफ वापस। और यहाँ की सीढ़ियाँ जो है वो फिर भी थोड़ी सी बड़ी है, जहाँ से आसानी से निकला जा सकता है, लेकिन ऊपर की खिड़कियाँ जो है, ऊपर की जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी सही है। आज जिस दरवाजे से हमने प्रवेश किया था उसी दरवाजे महाराज। और ये यहाँ से जो है वो पूरा आप महल देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ से जो है वो पूरा महल, जो कि अभी हमने आपको जो दिखाया था मानसिंह का जो पैलेस था, मानसिंह का जो रूम था वो ये वाला रूम था जहाँ से हमने आपको ऊपर की तरफ से जो है वो दिखाया था। और ये आपको नाम भी पढ़ के दिखाते हैं कि पहला जो दरवाज़ा है वो सूर्य प्रकाश है, दूसरा जो दरवाजा है वो चंद्र प्रकाश है। खुशहाल खुशहाल प्रकाश और ये है आनंद प्रकाश। लक्ष्मी प्रकाश को फिलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है तो यहाँ पे बेसिकली सब प्रकाश ही प्रकाश हैं। तो चलिए प्रकाश को छोड़ते हैं और आगे निकलते हैं। तो गाइस पूरा महल देखने के बाद में वापस से हम लोग एग्जिट करेंगे और आप भी कहोगे वापस से तोप। तो गाइस तोप ही यहाँ पे जो है वो मेन है, ये एक तोप ऊपर से जो दिखाई दी सेम तोप। यहाँ आपको शायद याद होगा कि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने यहाँ पे आपको जो ये जो लोकेशन है यहाँ पे फोक डांस जो है हमने आपको दिखाया था पपेट का, जो आज नहीं हो रहा है बेसिकली। मे बी पॉसिबल कि आज टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा है इस वजह से या कुछ और कारण होगा। और सामने जो आप देख पा रहे होंगे वहाँ लिखा है सनसेट पॉइंट। तो गाइस एक बार फिर से देख लीजिए महल, क्योंकि हम अभी महल को देखने के बाद बाहर आ चुके हैं और जल्दी हम लोग जो है इस महल से निकल जाएंगे। तो नाहरगढ़ का किला आपको कैसा लगा? क्या हमने नाहरगढ़ का पूरा किला आपको दिखाया या नहीं दिखाया, वो सब जो है आपको कमेंट में लिखना है। तो आई होप आपको वो ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे हमारे कदम। और ये जो स्टेयर्स ऊपर जा रही है बेसिकली ये जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो अभी मे बी पॉसिबल कि रात को ये गेट दरवाज़ा खुलता होगा। गाइस आइए आपको लेके चलते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। और अभी हम लोग निकल चुके हैं सनसेट पॉइंट के ऊपर। अभी सन जो है वो काफ़ी ऊपर है लेकिन सेट होने में अभी उसको टाइम है, लेकिन फिर भी चूंकि ये जगह आपको एक्सप्लोर करके दिखानी है और बाद में मौका मिले ना मिले तो इसलिए आपको सनसेट पॉइंट अभी मॉर्निंग के अंदर ही कवर करके दिखाते हैं। मॉर्निंग में बेसिकली अभी हो चुका है आफ्टरनून। सनसेट पॉइंट की तरफ हमारे कदम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और ये है ऊबड़ खाबड़ रास्ता। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो पहुंच चुके हैं सनसेट पॉइंट के ऊपर और जल्दी हम लोग सनसेट पॉइंट आपको दिखाने वाले हैं। तो सनसेट पॉइंट यहाँ से होगा सिटी व्यू और सनसेट पॉइंट। ये हमारे साथ भैया हैं जो सनसेट पॉइंट का टिकट जो पहले नहीं लगता था अभी वो टिकट के लिए बात कर रहे हैं। तो भैया कब कितना टाइम होगा, क्योंकि हम लोग भी जयपुर के निवासी हैं और काफ़ी टाइम से जयपुर में रह रहे हैं।
एक साल से हो गया। तो रेस्टोरेंट में जाने से पहले हमें 100 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा जी। उसके बाद हम अंदर। तो गाइस अपने व्यूज़ दीजिए इसके ऊपर। तो गाइस ये देखिए आप, यहाँ भी जो है वो लूट खसोट जो है वो चालू हो चुकी है। आपने पीछे जो है वो 50 रुपीज़ का टिकट कटवाया है, ठीक है। टिकट कटवाने के बाद जब आप अंदर आ रहे हैं तो 100 रुपीज़ चार्ज यहाँ भी जो है वो लिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो आप भी अपने जो है वो कमेंट्स बताइए कि 100 रुपीज़ जो है वो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे रास्ते से जो है वो ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से भी सनसेट आपको दिखेगा, वहाँ 100 रुपये देके था, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस फाइनली सनसेट पॉइंट जो है वो आ चुका है। तो गाइस ये वो पॉइंट्स है जहाँ सर सिक्योरिटी जो है वो की जाती थी। यहाँ पे आप देखोगे कि तीन तरह के जो है वो स्लैब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पे गन के जो है वो पॉइंट रखे जाते थे उस वक्त। और तो गाइस वो है नाहरगढ़। और यहाँ से फिर से आपको दिखाएंगे जयपुर। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो और बोलते हैं जय हिंद जय भारत। थैंक यू गाइस।